नमस्कार, मैं नरेश शुक्ला और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्त दुबे, जिन्होंने सर्वे किया है कि इस विधानसभा में किस किस विधानसभा की कैसी पोजीशन रहेगी। तो सबसे पहले जानते हैं हम खुरई विधानसभा के बारे में कि खुरई विधानसभा की वो कैसी पोजीशन देखती है। नमस्कार करते हैं जो सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के दर्शक हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को वोट पड़ना है और 11 दिसंबर को परिणाम आएंगे, लेकिन तमाम तारीखों के बीच में ये बताना ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश की बहुत हाई प्रोफाइल सीट, जैसा नरेश जी ने बताया कि खुरई है, जहाँ से गृह मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि वहीं अरुणोदय चौबे जो है वहाँ एक बार विधायक रह चुके हैं 2008 के विधानसभा चुनाव में, वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि सीधी टक्कर इस विधानसभा में देखी तो और 27 प्रत्याशी हैं, कुछ निर्दलीय हैं, कुछ अन्य दलों से, बसपा बहुजन समाज पार्टी से भी प्रत्याशी हैं। और अगर इस विधानसभा की हम तासीर की बात करें तो ये विधानसभा चूँकि 2008 में सामान्य हुई थी, उससे पहले ये विधानसभा जो है रिजर्व सीट कही जाती थी, और 2018 में यहाँ रोचक चुनाव हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे ज़िले की इस विधानसभा सीट पर नज़र है। मैं दर्शकों को बता दूँ, वो जो हमें देख रहे हैं कि खुरई का जो करेंट है, खुरई का जो अंडर करेंट की जो बात हो रही कि खुरई विधानसभा में अंडर करेंट है और कहीं ना कहीं सत्ता विरोधी लहर चल रही है, सारी चीज़ें, काफ़ी एक महीने से उस विधानसभा में घूमा हूँ, हालांकि मैं कई विधानसभाओं में गया हूँ, लेकिन इस विधानसभा की हम तासीर से अगर आपको रूबरू करवाएं तो यहाँ सरकार ने, चूँकि शिवराज सिंह चौहान के बहुत करीबी थे, भूपेंद्र सिंह मंत्री रहे और उन्होंने शिवराज सिंह के माध्यम से केंद्र सरकार से अप्रोच लगा के कई यहाँ विकास की योजनाएं खुरई विधानसभा में लाए हैं और विकास के एजेंडे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष के तौर पर जो अरुणोदय चौबे हैं, वो उन पर लगातार हमले कर रहे हैं, यहाँ आतंकराज है, कानून की व्यवस्था गड़बड़ाई है, झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, इस तरह की बात हो रही है। हालाँकि विकास की जब जब बात को दबाया जाता है तो इस तरह की अफवाहें, इस तरह की बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस विधानसभा के जब जनता से हम बात करते रहे, वो जनता से हम ये सवाल पूछते रहे कि खुरई विधानसभा में अंडर करेंट क्या होता है, किस तरह का अंडर करेंट है, किस तरह की यहाँ लोग मानते हैं कि आतंक और भय है, तो वहाँ बहुत से लोगों का ये कहना कि यहाँ विकास हुआ है। यूपी की वहाँ बॉर्डर लगी है, मालथोन जो क्षेत्र है यूपी की बॉर्डर लगी है, वहाँ से भी लोग कहते हैं कि इस विधानसभा में काम हुए हैं। मैं समझता हूँ कि सत्ता विरोधी लहर चल रही, इसमें कोई दो मत नहीं है। मध्य प्रदेश में जिस अंदाज में चुनाव लड़े गए हैं, कांग्रेस को कम वक्त मिला लेकिन बहुत ताकत से उसने चुनाव लड़ा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और कहीं ना कहीं बार बार कमलनाथ जी का वहाँ आना, कमलनाथ जी के जो करीबी हैं, कमलनाथ जी के अरुणोदय चौबे बहुत करीबी हैं और उनने भी उनको बहुत स्नेह और आशीष दिया है, लेकिन इस विधानसभा की तस्वीर बिल्कुल ठीक है। ये जनसंघी सीट है, जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, जब ये भाजपा के पाले में जाती थी, और अब विकास हुआ है तो एससी बाहुल्य वोट है और एससी और ब्राह्मण वोट की को लेकर यहाँ चर्चा है कि वो कांग्रेस में जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अलग अलग आदमी के अलग अलग मिजाज होते हैं। खुरई विधानसभा में फिलहाल विकास को तवज्जो दी जा रही, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक आतंक और भय की बात है, वो उतना उससे इस चुनाव में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर कोई इंटरनल गेम अरुणोदय चौबे ने यहाँ जमाया होगा तो ज़रूर चुनाव रोचक होगा। अगर उनने गेम नहीं जमाया है, या अगर जातिवाद या ब्राह्मण या अन्य लोगों को जो है आतंक और भय की बात कहकर वो कांग्रेस की तरफ से सीट जीतना चाहते तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि जनता बहुत होशियार है, समझदार है, सारी चीज़ें जानती है, विकास जैसी एजेंडे पर वोट पड़ते हैं और इतिहास इस चीज़ की गवाही देते हैं कि बिना विकास की बात किए किसी विधानसभा में चुनाव लड़ना या जीतना बहुत मुश्किल है। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, कांटे की टक्कर होगी, ये बात सही है, लेकिन फिलहाल कमल के फूल
की तरफ रुख ज़्यादा भारी है। जी जी नरेश जी, ब्रह्मदर्श जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि प्रदेश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली रेहली सीट, जिसके अजय योद्धा के रूप में बुंदेलखंड में चर्चित हैं पंडित गोपाल भार्गव, उनकी वर्तमान में आप कैसी स्थिति देखते हैं? रेहली विधानसभा बुंदेलखंड की, वास्तव में बुंदेलखंड की नहीं कहूँगा, मध्य प्रदेश की भी नहीं कहूँगा, हिंदुस्तान की बहुत भारतीय जनता पार्टी के पाले से सुरक्षित सीट है। और 7 बार वहाँ पंडित गोपाल भार्गव चुनाव जीते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि गोपाल भार्गव जिस अंदाज में चुनाव जीतते आए हैं तो वो मॉस लीडर हैं, और जनता का लीडर कहीं चुनाव नहीं हारता, ये लोकतंत्र का तकाजा है। लेकिन जिस अंदाज से कांग्रेस ने फील्डिंग की है, और कांग्रेस की मैं बता दूं दर्शकों को कि कांग्रेस ने 5 तारीख के बाद जो अपनी फील्डिंग जमाई है, तो देखिए आपको देखेंगे अगर पूरे बुंदेलखंड की तस्वीर देखें तो लोधी बोर्ड पर उसने अपना जो है उस निशाना बनाया है, उसको लोधी बोर्ड को अपनाया है, और उसको बुंदेलखंड में 4 टिकट भी दिए। और अगर हम बात करें रेहली विधानसभा की, तो कुछ दिनों पहले लोधी और ब्राह्मण में जो झगड़ा हुआ था वो आज गोपाल भार्गव को परेशान कर रहा है, क्योंकि कुर्मी जो वोट है, कुर्मी पटेल वोट, वो बहुत अरसे से कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। 1998 में जब रेहली में चुनाव हुए थे तो जीवन लाल पटेल वहाँ से जो है कांग्रेस से टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, और बहुत रोचक हुआ था। मैं एक तस्वीर तो नहीं दिखा सकता, उस टाइम की तस्वीरें नहीं, लेकिन इतनी बात ज़रूर बताता हूँ कि काउंटिंग में 3 राउंड में गोपाल भार्गव पीछे हो गए थे। उस वक्त यूनिवर्सिटी में काउंटिंग हो रही थी 1998 में, विश्वविद्यालय में, और जीवनलाल जो है 3 राउंड आगे हो गए थे, तो गोपाल भार्गव के खेमे में खलबली मच गई थी। उस वक्त गोपाल भार्गव ने के जो है छोटे भाई श्रीराम भार्गव की और जीवनलाल की तूतू में भी हुई थी। ये वो बड़ा दृश्य सागर के और तमाम बुंदेलखंड के लोगों को बताना चाहते हैं। गोपाल भार्गव का चुनाव जीतना हारना सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि गोपाल भार्गव जब 7 बार के 1985 में जब वो विधायक बने थे तो बहुत सरल, सुलभ और आसान, और मैं कहूँगा जो अभिमान है, सत्ता का अभिमान होता है, ने पदों का अभिमान होता, वो नहीं था, बहुत आम इंसान थे। यही अमूमन 90 में बात रही, 93 में भी वही अंदाज था, 98 में भी तकरीबन वही अंदाज है, लेकिन 2003 में जब वो मंत्री बने और पहली बार वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास, चूँकि माफ कीजिए कृषि मंत्री थे, सहकारिता विभाग था उनके पास, 2008 में वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री बने, और 13 में फिर जीते और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री बने। लेकिन 2018 के चुनाव में उन्हीं की पार्टी के एक सदस्य को नगर पालिका में टिकट नहीं मिलता है, वो गोपाल भार्गव से नाराज होता है, वो गोपाल भार्गव के साथ रहता है, काफ़ी अरसे से वो गोपाल भार्गव का प्रचार कर रहा है कमलेश साहू, और 2013 के चुनाव में भी उनने बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन नगर पालिका का चुनाव नहीं, टिकट नहीं मिला, और उस वजह से वो नाराज थे। और फिर ये गेम प्लान हुआ, जो ऊपर जो कमलनाथ के यहाँ जो खबरें जा रही थीं कि लोधी और कुर्मी जो ओबीसी में सेंध लगानी थी, क्योंकि ओबीसी बीजेपी का बहुत पक्का वोट रहा है, और उस वोट में सेंध लगाने के लिए बहुत बड़ी गेम प्लान किया गया है कि बीजेपी कैसे हारेगी, क्योंकि विकास का जो मॉडल है उससे अगेंस्ट को अलग करके, दरकिनार करके, अफवाह फैलाएं, आतंक भय और उनकी छवि खराब करें नेताओं की जो लोकप्रिय हैं, ये कांग्रेस ने एक सूत्र बनाया है, और उन सूत्र में कहां कहां वो कामयाब हो रहे हैं उसमें शायद मैं कह सकता हूं रैली, क्योंकि गोपाल भार्गव का चेहरा विगत 6 महीने से दागदार किया जा रहा है, ये बहुत भारी भरकम चेहरा तो नहीं लेकिन बहुत सौम्य और सॉफ्ट चेहरा है मध्य प्रदेश की राजनीति में, और मैं समझता हूं कि उस चेहरे पर जितने प्रहार हुए हैं वो नतीजे ही प्रभावित करेंगे। और दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि सागर एक्सप्रेस न्यूज़ लगातार इस तरह की बातें दिखाता रहा है, और हमने खबरों के माध्यम से भी खबर लगाई थी कि 12 बार लगातार यहाँ पंडित चुनाव जीतता है, जबकि कुर्मी यहाँ बहुत बाहुल्य में है, लोधी बहुत बड़ा वोट बैंक रहा है, पटेल कुशवाहा वोट बैंक रहा है बड़ा, लेकिन
पंडित यहाँ छोटा पॉकेट वोट रहा है लेकिन चुनाव जीता है। गोपाल भार्गव ने जिस अंदाज में नेतागिरी की है, रात रात बल जगकर लोगों की बातें की, उनका जो सरल मिलने का हंसी मजाक का अंदाज है वो लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन इससे 2018 में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। लोग बहुत उग्र हैं और ये कहते हैं कि इन्हें अभिमान आ गया है। और अभिमान में दो डायलॉग में जरूर दर्शकों को सुनाऊंगा कि जब एक मीडिया कर्मी ने पूछा कि गोविंद सिंह राजपूत कहते हैं कि वो हारने के लिए बात कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो गोपाल भार्गव ने फिर जवाब दिया था कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे हरा सके चुनाव। उनने एक मंच से एक बात कही थी कि राहुल गांधी ने मना कर दिया है मेरे क्षेत्र से लड़ने से, कमलनाथ जी बूढ़े हो गए हैं, दिग्विजय सिंह और सिंधिया लड़ना नहीं चाहते। ये तमाम बातें जब चुनाव में इकट्ठी हुई तो आप यकीन जानें कि यहाँ का बहुत बड़ा वोट कुर्मी, लोधी, कुशवाहा पटेल और SC वोट चूँकि परंपरागत टाइप का माना जाता है, हालांकि आप परंपरागत उतना नहीं ही है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, लेकिन फिर भी ये वोट इकट्ठा है और इसकी संख्या लगभग अगर जोड़ा जाए तो ये 62-63% वोट है। और अगर ये वोट के खिलाफ में करता है तो चुनाव में जाहिर है गोपाल भार्गव मुश्किलों में। लेकिन फिर भी 2 दिन बचे हैं, गोपाल भार्गव के पास मैनेजमेंट करने के बहुत से साधन हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जो है बूथ मैनेजमेंट में ही अपना विश्वास रखती है और यही कारण है कि वो बार बार चुनाव जीत रही है। बूथ मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी बहुत पक्की, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि अनावश्यक डायलॉगबाजी लोकतंत्र में बड़े नेताओं को नहीं करना चाहिए और गोपाल भार्गव जैसे नेताओं से उनको सबक लेना चाहिए, क्योंकि जब जब आप जनता के बीच में लोकप्रिय होते हैं और इस तरह की डायलॉगबाजी करते हैं तो जाहिर है फिर मुश्किलों में आना है। और तो मैं एक चीज़ और बहुत यहाँ इस विधानसभा में इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, एक सहानुभूति जो होती है वो लोगों के मन में है गोपाल भार्गव के प्रति। वो चूँकि वो संख्या सहानुभूति की कितनी है, उसकी तादाद कितनी है, वो किस स्तर पर जा सकती है ये बात अलग है, लेकिन अगर जातिवाद का बिगुल बजा और लोग बहुत कट्टरता से अगर लोग वोट कर गए तो फिर ये सीट जो हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर सीट है उसे हम महफूज नहीं मान सकते। जी नरेश जी, बैठे हैं इंतजार में, कभी तो लहराएगी और हवा के एक झोंके से तकदीर बदल जाएगी। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं ब्रह्मदत्त जी से कि सागर विधानसभा में अभी भाजपा प्रत्याशी के रूप में शैलेंद्र जैन हैं और कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नेमी चंद जैन हैं। राजनीतिक घराना शुरू से रहा है और इनके पिताजी भी महापौर रहे हैं, तो वर्तमान में ऐसी स्थिति में आप दो बार के विधायक रह चुके, शैलेंद्र जैन की पोजीशन और नेमी चंद जैन की पोजीशन किस तरह से आंकते हैं? सागर विधानसभा की नरेश जी हम बात करें तो सागर विधानसभा 1951 में इसका सृजन हुआ था, अस्तित्व में आई थी, और आज 2018 के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशियों की भी संख्या बहुत है। लेकिन चुनाव में रोचकता जब है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में ये टक्कर हो सकती, आमने सामने की टक्कर मान सकते हैं इसे। बहुजन समाज पार्टी के जो संतोष प्रजापति हैं उनको कितना वोट मिलता है ये इस चुनाव का सबसे टर्निंग पॉइंट है। जगदीश यादव जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उनको कितना वोट मिलता है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। पंकज सोनी निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको कितना वोट मिलता है ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और सपाक्स है, सपाक्स के साथ जो है अन्य और लोग चुनाव लड़ रहे हैं जैसे अन्नी दुबे, अंकलेश्वर दुबे एडवोकेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनको कितना ब्राह्मण वोट मिलता है क्योंकि ब्राह्मण जैन से नाराज है। अब ब्राह्मण अगर अन्नी दुबे को वोट करता है तो कितनी प्रतिशत में वो जाता है वो इम्पोर्टेंट है। कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ जैन वर्सेस जो ब्राह्मण का सूत्र था वो टूट गया है। एंटी इनकम्बेंसी उतनी अब दिख नहीं रही, सत्ता विरोधी लहर की इस ज़मीन पे अब उतनी बातचीत नहीं हो रही। जो नेशनल लीडरों ने बात की है उनके 2-4 डायलॉग बाजी हो गए। कुल मिला के अब स्थानीय चुनाव बचा है। स्थानीय चुनाव में कौन कितने घर तक पहुंचता है, कितने लोगों तक अपनी बात रख पाता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
और आज या कल से जो लहर में बदलाव हुआ है, जो संकेत मिले हैं, उस लहर से तो ये लगता है कि चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में है। हालांकि निर्दलीय और अन्य थर्ड फ्रंट कितना खेल करेगा, ये चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल वाजिब बात है, क्योंकि ये बौद्धिक नगरी है। हाँ, ये चुनाव बिगाड़ जरूर सकता है। चुनाव कितना बिगाड़ेगा, नेवी का चुनाव कांग्रेस का कितना बिगाड़ेगा, कितना भारतीय जनता पार्टी का बिगाड़ेगा, ये सब खेल है। लेकिन कुल मिला के चुनाव रोचक है और इसमें बहुत जल्दबाजी होगी। कल मूड और देखेंगे, जनता का क्या मूड बनता है, क्योंकि कल बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, सागर का दिन है। आज 26 नवंबर है, डॉक्टर गौर की जन्म शताब्दी, जन्म जयंती है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि गौर की आज बात हुई है वो, और उससे अतिरिक्त चुनाव मिजाज में जो बातें हुई हैं वो कल और जमेगा चुनाव। जी, हमारे साथ दो और मेहमान एक पत्रकार हैं, पत्रकारिता में जुड़ी हैं, पूजा पांडे, और दूसरे जो है KPH पिज्जा चलाते हैं, वो उनके मालिक हैं, बड़ी फेमस उनकी दुकान है। सागर में ये लोग रहते हैं और सागर के चुनावी मिजाज से बड़े परिचित हैं। इनने भी कई रैलियां देखी हैं, कई जो है लोगों को से मिली हैं। कि सागर में क्या देखती हैं आप? सागर में हम सागर एक्सप्रेस से जुड़े हुए हैं, और सागर में वैसे मैं जब मैंने रैलियां वगैरह देखी हैं, उस हिसाब से जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस इस बार कड़ी टक्कर देने वाली है, भाजपा के लिए कांग्रेस, नेवी जैन और सैलन जैन की इस बार मुकाबला सही होगा, और जनता को देखने बहुत कुछ मिलेगा, जनता का एक फैसला देखने को मिलेगा कि इस बार जनता किसको चुनती है, और बहुत कुछ नई चीज़ें आएंगी इस बार सामने, और हम देखते हैं कि इस बार क्या जनता फैसला लेती है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सही बात है, और जनता को क्या फैसला लेना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। हमारे साथ एक साथी और हैं जो जिनका पिज्जा चलता है, बड़ा फेमस है इनका। नमस्कार, मैं हूँ भुवनेश्वर दुबे, KPH रेस्टोरेंट का मालिक हूँ सिविल लाइन में, और मेरे यहाँ बहुत सारे बच्चे और बुज़ुर्ग बहुत बहुत सारे लोग आते हैं। मैंने जो रुझान देखा है, जो यूथ लोग हैं वो जनरली कांग्रेस और नेवी जैन को पसंद करते हैं, और जो फैमिली है जो और बड़े लोग हैं वो सैलन जैन की तरफ इशारा करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है कि टक्कर बहुत ही घाटे की है, और मैं चाहता हूँ कि टक्कर काटे की हो। थैंक यू वेरी मच। एक्सप्रेस न्यूज़ ने 3 विधानसभाओं की चर्चा हो चुकी है। चूँकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें आज से चुनाव प्रचार थम गया है, 4-5 विधानसभा और हैं, 5 में बंडा है, बीना है, नरियावली है, खुद देवरी है और सुर्खी है। मैं अगर सुर्खी विधानसभा की बात करूं तो ये सुर्खी विधानसभा की दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सुधीर यादव मैदान में, गोविंद सिंह राजपूत 4थी दफ़ा मैदान में, सुधीर यादव फ्रेश चेहरे हैं, और बहुत सी बातें हैं शहर में कि राहतगढ़ कमज़ोर है, सुधीर का राहतगढ़ अच्छा है, गोविंद सिंह का जयसी नगर अच्छा है, बलहरा अच्छा है, सुर्खी अच्छा है, सारी चीज़ें यहाँ। और मैं जानता हूँ कि वो क्षेत्र में चल क्या रहा है। क्षेत्र में अक्सर जब इस तरह में सुर्खी में चुनाव होता है तो क्षेत्र में 2 बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो फ्रेश चेहरे पर ज़्यादा मार नहीं हो पाती, कमज़ोर चेहरा उसे नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जो 4 बार से चुनाव लड़ रहा है उस पर बहुत प्रहार हो सकते हैं। गोविंद सिंह राजपूत की वहाँ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन इनकी एंटी इनकम्बेंसी चूँकि फ्रेश चेहरे हैं कोई मतलब ही नहीं, तो कुल मिला के राहतगढ़ में इनका अच्छा प्रभाव है, और जयसी नगर जो मूल जयसी नगर है वो जनसंघ की गढ़ है, जनसंघ से बहुत टाइम से वहाँ चुनाव, NP जो है राय साहब 1967 में लड़े थे जब जयसी नगर से वोट मिल गया था उनको, तो कुल मिला के जनसंघी मिजाज का वो है। बलहरा कांग्रेसी गढ़ रहा है, 1951 के बाद कभी जीता ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को जिताता ही नहीं, लेकिन पारोल बहुत कम अंतराल से हारी थी, सुर्खी भी इसी मिजाज का है। लेकिन राजेंद्र सिंह मोकलपुर और भूपेंद्र सिंह जो मंत्री हैं, गृह मंत्री, उनकी इसमें बहुत भूमिका है। अगर उनकी भूमिका अगर बहुत इम्पोर्टेंट होती है इस विधानसभा में, तो गोविंद राजपूत यहाँ से बहुत मुश्किलों में माने जा सकते हैं।
हालांकि बहुत ताकतवर लीडर है, एकदम हम नहीं कह सकते कि चुनाव हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन फिलहाल चुनाव बहुत कांटे का है और बहुत रोचक है, शहर में बहुत चर्चा है। जी ब्रह्मदत्त जी, आपके बारे में जैसे सब लोग जानते हैं कि आप बंडा विधानसभा और देहरी विधानसभा में रातों रात घूम रहे हैं, तो वहाँ के वोटरों के मन में आप क्या स्थिति देख रहे हैं भाजपा या कांग्रेस के या निर्दलियों के लिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट विधानसभा है देवरी। देवरी की बात करें तो तेजी सिंह भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है और आदिवासी वोट के लिए गोड़वाना पार्टी भी है, निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा भी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस के हर्ष यादव की भूमिका अगर देखी जाए तो कैसी, क्योंकि उनकी पता चला कि पैर में फ्रैक्चर है, वो कम जनसंपर्क कर पा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया, वो टिकट बहुत इम्पोर्टेंट टिकट है, उम्र तकरीबन 62-65। ये कहना है कि बूढ़ा आदमी 30 साल से टिकट मांग रहा है, अगर चुनाव में 30 साल से वो टिकट मांग रहा है और अगर इसको हरा दिया जाए तो फिर अगली बार ये चुनाव नहीं, ये चर्चा है देवरी में और ये बहुत वाजिब चर्चा है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो कहीं ना कहीं फिर हम कहेंगे कि देवरी विधानसभा में जो गोलझामर का जो बेल्ट है, गोलझामर का सराउंडिंग बेल्ट, वो लोधी बाहुल्य क्षेत्र कहलाता है। केसली तरफ जाओ तो आदिवासी बेल्ट माना जाता है क्योंकि वो ट्राइबल ब्लॉक भी बोलते हैं। देवरी, मूल देवरी और आसपास के इलाकों में बहुत ताकतवर हैं तेजी। महाराजपुर तरफ जाओ तो हर्ष यादव बहुत ताकतवर हैं। अगर भीतरघात होती है और रतन सिंह सिलालपुर भीतरघात करते हैं तो गोलझामर का बेल्ट कमजोर हो सकता है, लेकिन फिलहाल उमा भारती की सभा के बाद अंदाज बदला है। कुल मिला के ये कांटे का मुकाबला है, लेकिन फिलहाल जो 40-35 घंटे पहले अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हाँ मजबूत, और नो डाउट मैं इसमें कोई सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि तेजी सिंह वहाँ भी फिलहाल मजबूत है। चुनाव 35 घंटे के बाद देखेंगे कौन क्या होगा, लेकिन फिलहाल अभी आज तक की तिथि तक जो है बहुत मजबूत। दूसरा इन्हें सवाल पूछा, बंडा विधानसभा बहुत इम्पोर्टेंट विधानसभा है। 1993 में संतोष साहू हरनाम सिंह, स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर के बीच मुकाबला हुआ था। मुकाबला इतना जबरदस्त था कि बीबीसी लंदन में ये खबर छपी थी। यहाँ जाति का जाति यादव बाहुल्य में है, लोधी बाहुल्य में, लेकिन यहाँ जातिगत चुनाव नहीं होते, लेकिन इस चुनाव को कांग्रेस जातिगत बना रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी से रमाकांत यादव साहब चुनाव मैदान में हैं और बहुजन का ये कहना है कि उसे यादव का समर्थन मिल रहा है और वो SC वोट भी पटा लेगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा क्योंकि जब दोनों यादव और लोधी संख्या बल में ज़्यादा हैं, बाहुल वोट में, तो बाहुल वोट का एंटी इनकम्बेंसी होता है, उसका विरोधी तबका, उसका जो विरोध है वो पॉकेट वोट कितना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें प्रजापति हैं, विश्वकर्मा हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बहुत सारी कौमें हैं। तो कुल मिला के बंडा में वो सारी कौमें किसको जा रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कुल मिला के यहाँ भाजपा भी कमज़ोर नहीं है। यहाँ जो सागर में खबर है कि भाजपा वहाँ चुनाव हार जाएगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये छोटी छोटी वोट भारतीय जनता पार्टी को जा रही, जो लोधी से, जो लोधी बाहुल वोट के अगेंस्ट वोट है वो यादव वोट में नहीं जा रही, रमाकांत जी में, बसपा में, वो भारतीय जनता पार्टी में जा रही। जो यादव से वोट है, जो उसका अगेंस्ट वोट है, उससे उसकी जो यादव की खिलाफ करता है, बुल तरवर सिंह को नहीं जा रही, वो भाजपा को जा रही। तो छोटे छोटे वोट भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। बंडा में मैं समझता हूँ इतना गड़बड़ चुनाव नहीं है, त्रिकोणी कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कांग्रेस और BJP के बीच में है और ये चुनाव जो है बड़ा रोचक होगा। लेकिन फिलहाल राठौर इतने जो है वहाँ असुरक्षित नहीं है, ये बात बिल्कुल तय है। जी नरेश जी, सोशल मीडिया में अगर हम देखें तो बीना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा को जीत दिखाई जा रही है, और अगर नरयावली में देखें तो कांटे की टक्कर दे। तो सवाल ये है ब्रह्मदत्त जी से कि आखिर वो कैसा देखते हैं दोनों विधानसभाओं को? जी नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
नरियावली विधानसभा में रहता हूं मैं, और मैं अक्सर देखता हूं कि नरियावली विधानसभा की सुबह और शाम को जब घर जाता हूं चर्चा होती है। इस विधानसभा में तीसरी बार प्रदीप लारिया चुनाव मैदान में है, और उनसे मुकाबला करने के लिए जिनको उप मुख्यमंत्री कांग्रेस बना चुकी है, बाबर ये कह चुके उप मुख्यमंत्री होंगे सुरेंद्र चौधरी, वो वहाँ से चुनाव मैदान में। तीसरे विकल्प के तौर पर वहाँ कुछ है नहीं, दोनों में सीधी टक्कर है। एससी आरक्षित सीट है, और लारिया भी एससी वर्ग से आते हैं, और जो है जो सुरेंद्र चौधरी। मैं फिर साफ तौर पर इस विधानसभा में बहुत कैलकुलेट करते हुए करूँगा कि किसी का हाथ पकड़ के बहुत सरलता से किसी आम व्यक्ति विधायक जो यहाँ प्रदीप लारिया, उनका ऐसा हाथ पकड़ा जाता है और उनसे लोग बाग उनको जो है भली बुरी भी सुना देते हैं। विकास भी उनने किए हैं ये उनका दावा है, हालांकि क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही, इतना एक तरफ वन साइड चुनाव नहीं। लेकिन फिर बात आती है, जब तुलनात्मक दृष्टिकोण से बात आती है तो फिर कहीं ना कहीं उनका जो विजन है और उनका जो व्यवहार है वो भारी है सुरेंद्र चौधरी पर, और ये चुनाव बस इसी पर डिपेंड करता है। ये चुनाव विकास और अन्य चीज़ों पर नहीं, ये चुनाव है एक दूसरे की छवि पर कौन भारी पड़ रहा है। तो छवि के मामले में प्रदीप लारिया सुरेंद्र चौधरी पर भारी पड़े, ये वो चुनाव है। विकास विकास की यहाँ कोई बात बोली होती नहीं। दूसरी चीज़, सुरेंद्र चौधरी जब मंत्री बने थे 1998 में, 6 महीने के लिए मंत्री बने थे, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जो है बने थे राज्य मंत्री, उस वक्त इन्हें एसपी का कुछ बातचीत हो गई थी तो इन्हें एसपी का ट्रांसफ़र करवा दिया था। वो ताकत थी सुरेंद्र चौधरी में, शायद लोग जिक्र नहीं करते इसका, लेकिन ताकतवर था वो। और उन पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने झूठे मुकदमे हरिजन एक्ट लगवा दिए थे लोगों पे, तो वो चर्चा आज भी है 2018 में। तो एक बात बिल्कुल तय है कि 1993 से 2003 में वो दिग्विजय सिंह का विरोध है आज भी, और उन्हीं के आदमी है सुरेंद्र चौधरी। तो 98 में जो इनने गलती की तो आज भी विरोध है। तो दिग्विजय सिंह का जो खेमा है उस पर वो आरोपों से दूर नहीं हो पाए, आरोप उस पर अभी भी चिपके, और ये बहुत वाजिब वजह है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। छवि का चुनाव है ये, विकास और वो विकास का, विकास को तो एक तरफ रख दो, ये छवि का चुनाव है। जिसकी छवि बारी होगी वो यहाँ से विधायक होगा। अंदाज जनता को लगाना है, 11 दिसंबर को परिणाम आएंगे, ये वो साफ तस्वीर होगी कि छवि के मामले में कौन ठीक है। बीना विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर बीना है, खिमलासा और मंडी बामौला क्षेत्र, इसमें वहाँ सराउंडिंग कुरवाई से लग जाता है क्षेत्र, कुछ मिजाज इसका विदिशा से भी मैच करता है। बीना में कांग्रेस की तरफ से शशि कैथोरिया साहब है, और भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट टिकट किया है महेश राय का। महेश राय के बारे में दो बातें बता दूं मैं। महेश राय के अभी बीते दिनों उनके बच्चों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, और वो बाकायदा उनने कोई शोर सपाटा नहीं लगाया, उन्होंने बच्चों को जेल जाने दिया। ये विधायक का बहुत ये सौम्यता भरा चेहरा है। शशि कैथोरिया 3 बार जिला सदस्य रहे, ठीक बात है, और वहाँ के बहुत मशहूर लीडर हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे से हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभा भी की थी। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बीना में महेश राय का विरोध नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में महेश राय का विरोध है। ग्रामीण और वर्सेज ये बीना है, उसमें कौन सफल होता है, एक जिक्र यहाँ होता है इटावा। इटावा चूँकि अशांत क्षेत्र कहते हैं लोग, लड़ाकू लोग रहते हैं, दबते नहीं हैं, वो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैथोरिया की कौम वहाँ रह समाज वहाँ रहती है, तो ये वहाँ मुद्दा हो सकता है। यहाँ भी साफ चेहरे का है, क्योंकि बिना विकास का, क्योंकि वहाँ तो साहब रिफाइनरी है, लेकिन रिफाइनरी से कांग्रेस कभी फायदा नहीं उठा पाई, जे भी प्लांट है कांग्रेस कभी फायदा नहीं उठा पाई। रेलवे जंक्शन है बहुत बड़ी, यहाँ जो है लोगों का भोपाल इंदौर आना जाना होता जनसंघ के कारण, तो ये तरक्की वाला शहर है बीना, लेकिन आजू बाजू बहुत विकसित नहीं हुआ, इस कारण महेश राय का बोल। सबसे बड़ा यहाँ है जिला, कि शशि कैथोरिया और महेश राय कौन जिला बनाएगा, क्योंकि इस बार तो लड़ाई सिर्फ जिले की है,
जो चेहरा जिले बनाने के लिए आगे आया और महेश राय ने संघर्ष भी किया था, शशी के धोरिया ने भी संघर्ष किया, सभी लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन यहाँ जिसकी सत्ता आएगी, क्योंकि ये बहुत होशियारों की नगरी है, बहुत चतुर लोग हैं यहाँ, समझदार लोग हैं, समय समय पर अच्छा निर्णय करते हैं, ये जिसकी हवा रहेगी इनको लगेगा कि किसकी सरकार बनना है उसको वो जिता दें। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ये मान के चलो कि सरकार की तरफ से ये सीट सरकार को गिफ्ट में जाएगी, बिल्कुल ये मान के चलना कि बिना इसी मिजाज का सीट है। जी नरेश जी, ब्रह्म जी, आपने 8 विधानसभाओं की समीक्षा दर्शकों को बताई है, अब आप एक बार क्लियर करके बताइए कि आखिर 8 विधानसभा क्षेत्र में से कितनी निर्दलीय को, कितनी कांग्रेस को, कितनी भाजपा के पक्ष में सीटें आएंगी। जी धन्यवाद फिर से नरेश शुक्ला जी। ये बहुत देख नगरी है सागर, डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय यहाँ रहा, गौर ने अपने पुरुषार्थ को दान दिया है यहाँ पे, तो कुल मिला के ब्राह्मण यहाँ जो है संख्या बल में ज़्यादा है सागर विधानसभा में। कुल मिला के देखा जाए तो सागर से सराउंडिंग पूरी चीज़ चलनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं चलती। सागर का जो हवा रहती वो सुरखी में असर नहीं करती, देवरी में असर नहीं करती, बंडा बिना इससे कोई मतलब नहीं है, खुड़ई में भी असर नहीं करती, रेल सब अलग अलग मिजाजों की विधानसभा है। इस विधानसभा में जो चुनाव फंसे हैं वो रैली और सुरखी में फंसे हैं। नरियाबली बीना खुड़ई की जो बात चलती है कि वहाँ फंसे हैं, वहाँ चुनाव नहीं फंसे, चुनाव फंसे हैं सुरखी में और रैली में। बंडा की जहाँ तक बात करते हैं कि चुनाव फंसा है, तो बंडा में भी उतना चुनाव नहीं फंसा, सीधी टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी की। और मैं कहता हूँ कि बाहुल्य वोट कहीं और जाए तो पॉकेट वोट जो है बीजेपी को जाएगा, छोटा छोटा वोट। तो कुल मिला के बंडा, दर्शकों को बता दूं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि सागर एक्सप्रेस न्यूज़ जो मोहर लगाएगी वो बहुत वाजिब मोहर होगी। मैं आपको फिर बता दूं कि खुरई, बंडा, बीना, नरियाबली और देवरी 5 ऐसी सीटें हैं जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा सकती हैं, अगर कोशिश की जाए, थोड़ी और मेहनत की जाए, और बहुत सहज तरीके से जा सकती है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा जो सर्वे आ रहा है। रेहली मंत्री आखिरी वक्त पे क्या दाव खेलते हैं उस पे डिपेंड करती, क्योंकि सीट फंसी है, लेकिन कहा जा रहा है, लोग कहते हैं कि मंत्री साहब निकाल लेंगे, और ये मैं मानता हूं कि मंत्री साहब निकाल सकते हैं इस सीट को, अगर वो अपनी अपने दिमाग से इस सीट को डील करें, अपने बच्चे की नहीं, उनका जो लड़का है अभिषेक भार्गव वो नहीं, वो खुद भार्गव अपना दिमाग लगाएं तो जाहिर है वो निकल जाएगी। सुर्खी विधानसभा में कहेंगे कि राजेंद्र सिंह मोकलपुर ने अगर सुर्खी वो बिलहरा पे अच्छी पकड़ बना ली, और जैसी नगर चूंकि जनसंघी मिजाज का है, और राहतगढ़ में दादा ने अपना जादू चला लिया, तो गोविंद फिर मुश्किलों में है साहब, क्योंकि ये कहा जा रहा है वो सीट में हवा आ रही। तो जो एंटी इनकम्बेंसी की बात थी, सरकार बनाने की बात थी, वो यहाँ मैं समझता हूँ कि 2-3 सीटें फंसी हैं, और भारतीय जनता पार्टी को अगर ये फंसी सीट नहीं मिली तो एक सीट जो है नुकसान हो सकता है, और वही 2013 के चुनाव रिपीट हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सागर जिले में बहुत मजबूत है। तो ये हमारा कार्यक्रम था और हमने समीक्षा की, कुछ लोगों को बुरा लगेगा और कुछ लोग कहेंगे साहब जी फलाने मिजाज के हैं, ये ऐसे मिजाज के हैं, लेकिन मैं बता दूं कि इस वीडियो को बड़े सुरक्षित रखें, क्योंकि हम सागर एक्सप्रेस न्यूज़ जो दावा कर रहा है वह परिणाम देगा, और परिणाम 11 तारीख को आप सुनना, फिर हम आपसे चर्चा करेंगे कौन गलत है कौन सही। फिलहाल सागर एक्सप्रेस न्यूज़ का ये वीडियो देखें और हमारी मेहनत को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हर क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो हमारी मेहनत को सब्सक्राइब करें और हमें जो है आगे बढ़ाएं, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमें कमेंट भी करें, कमेंट ऐसे करें ताकि हम उसका जवाब दे सकें, और जिस अंदाज में आप कमेंट करोगे तो हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, और समीक्षा में कल हम और समीक्षा करेंगे बुंदेलखंड की और सागर की, जो अब रुझान आएंगे तो कल फिर मुलाकात होती, तब तक दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। सागर एक्सप्रेस न्यूज़।
कि वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।